जिस तरीके से कश्मीर फाइल पे आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने है, कल कुछ कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन था लगातार। देखो, राष्ट्रवादी शक्तियां देश में मजबूत हों, भारत तेरे टुकड़े गैंग का समर्थन करने वालों के साथ भारतीय जनता पार्टी 50 वर्ष पहले भी थी, 70 वर्ष पहले भी, आज भी है। राष्ट्र की एकता और अखंडता के मामले में कोई कंप्रोमाइज है नहीं। भारत का बंटवारा 1947 में हो गया था, उस बंटवारे के कारण ही आज ये स्थिति पैदा हो रही है कि कुछ लोग फिर फन निकालना शुरू कर दिए है। भारत के हर अंग पर हर देशवासी का रहने का अधिकार है, हर देशवासी रह सकते हैं, लेकिन डिस्क्रिमिनेशन के आधार पर जो कश्मीर में 1990 में हुआ कुछ सरकारों के नेतृत्व में, और जो कुछ वोट बैंक की राजनीति करते हुए लोग कर रहे हैं, तो उसके लिए खामियाजा केजरीवाल को भुगतना पड़ेगा। आने वाला समय बताएगा केजरीवाल को कि किस प्रकार से कश्मीरी हिंदुओं के खिलाफ उसने उपहास उड़ाया है, इसको भारत का सनातन धर्मी मनुष्य और बहनें कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। संघर्ष के बावजूद भी कश्मीर फाइल फ्री नहीं हुआ, क्या संदेश है? वो राज्य में है, सरकार उसकी है, हमारा काम है लोकतांत्रिक पद्धति में अपनी मांग करना। केजरीवाल नहीं मानेगा तो जैसे कांग्रेस कभी नहीं मानी, जिस बात को हम 40-50 साल से कहते चले आ रहे थे, तो उसका हश्र भी कांग्रेस जैसा होगा केजरीवाल का भी।